हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन और अभी आई शताब्दी एक्सप्रेस। गाइस, ये शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है, इसके अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई, चलो बढ़िया है। ये मैं इसके सामने से निकलूंगा, ये मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी। चलो भाई, अपनी ट्रेन में आ जाओ, थोड़ी फास्ट आ रही है अपनी ट्रेन। चलो बढ़िया, अपनी ट्रेन भी आ गई पूरी घिरी। अपन तो ये बोला ना दिए, और सामने स्टेडियम, वो रेसलिंग का स्टेडियम है ना, और ये बोला ना दिए, और हम बैठ चुके, हमारी ट्रेन भी चल दी भाई। नदी तो बहुत बड़ी है, कुछ भी है, कूड़ा ही बहुत हो रहा है। ये अंकल जी बैठे साइड में अपने, और सामने पप्पा बैठे हैं अपने। चलो अपना तो पूरा सब खाली डिब्बा है अपना यार, कहाँ से भर जाएगा? ये अंकल जी सो रहे हैं, तो पप्पा कहाँ से भरेगा डिब्बा अपना? अपना डिब्बा कहाँ से भरेगा, मतलब जनता कहाँ से भर जाएगी? बरेली से। अभी हमारी ट्रेन आई है पतंग नगर, कौन सा स्टेशन है जी? पत नगर कौन सा है? पंत नगर। अभी हमारी ट्रेन आई है पंतनगर, और सामने एक बहुत ही पुरानी ट्रेन खड़ी है, और वो देखो बस जो वहाँ पे वो वाला इंजन खड़ा है, जिसमें इंजन में पैसेंजर लोग जाते हैं। तो अभी कुछ इस तरह का स्टेशन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी आ गए हम बरेली इज्जत नगर स्टेशन, और अब जाएंगे शिवपुरी घूमने। तो गाइस अब स्टेशन से मैं बैठ चुका हूँ बस स्टैंड के लिए, अब जाएंगे हम शिवपुरी। रात हो गई तो ये अपनी बस खड़ी है, और अपन बैठ चुके हैं। ये गुलजेस भाई और हुसैन भाई आ रहे हैं बाइक से, और बस तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुबह शिवपुरी 6 बजे के टाइम। रात में हम 9 बजे बैठे, घर पे आ चुका हूँ, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।